ताजे टिप आप जो काम करना चाहते हैं उसे आज ही कर लें और खुद करें तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी काम की पूरी योजना बनाएं और योजना से ही काम करें तो सफल हो जाएंगे। कोई अच्छी घटना भी अचानक हो सकती है, मन बना लें। आप जो बात सुनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं वह बात आपसे कोई कह देगा। शांत कर दूसरों की बात सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। रिश्तों के क्षेत्र में सुधार करने का मौका भी मिल सकता है। आप सकारात्मक मूड में रहेंगे। मन की भावनाएं दूसरों से बेझिझक शेयर भी कर सकते हैं। दूसरों की खातिर खर्चा करने में ना हिचकिचाएं। पढ़ाई में मन लगेगा। मन शांत रखें। निवेश के अवसर मिलेंगे। नेगेटिव ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले कुछ चिड़चिड़े लोग आपके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। खास तौर पर ऑफिस में आप जो कहेंगे उससे भरी समस्या में पड़ सकते हैं। बेकार विचार मन में न आने दें। सावधानी से अनिष्ट दूर हो जाएंगे। कानूनी मामलों में सावधानी रखनी होगी। कोई परिचित या दोस्त आपसे पैसा भी उधार मांग सकता है। देने के लिए एक बार विचार जरूर कर ले। क्या करें, गणेश जी को जनेऊ चढ़ाए। लव लाइफ के तनाव में सावधान और व्यावहारिक रहे। जीवन साथी को आपकी मदद से तरक्की मिलेगी। प्रेम में सफलता मिल सकती है। करियर कारोबार का विस्तार होगा। प्रोफेशनल लाइफ में सफल हो सकते हैं। हेल्थ पेट दर्द होने के योग है। भोजन सावधानी से करें। वृषभ यथार्थवादी रहे। किसी खास मामले का सकारात्मक समाधान आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आपके सामने काम ज्यादा रहेगा लेकिन कुछ लोग आपकी पूरी मदद भी करेंगे। आने वाले समय में आपकी व्यस्तता और भी ज्यादा हो जाएगी। तैयार रहे। सामाजिक कार्यक्रम में आपकी तारीफ होगी। आपको पसंद भी किया जाएगा। किसी प्रिय व्यक्ति से भी मुलाकात होने के योग है। आवास की समस्या हल हो जाएगी। बिजनेस अच्छा चलेगा। जीवन साथी की सेहत पर ध्यान दें। आपने हाल ही में कोई नया कोशिश की है तो उसके नतीजों को लेकर आप ज्यादा ही महत्वाकांक्षी भी हो सकते हैं। अधिकारी या कर्मचारियों से भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। नेगेटिव, किसी भी मामले को लेकर ज्यादा परेशान ना हो। सावधान रहे, आज आप अति करेंगे तो आपका ही नुकसान हो सकता है। खुद को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। आपके चलते काम अचानक रुक भी सकते हैं। कोई बात या राज आपके लिए पहेली की तरह रहेगा, उसमें आप उलझ सकते हैं। क्या करें, बूंद गंगा जल सिर पर लगाएं। लव पार्टनर से सहयोग मिल सकता है। रिश्ते में मजबूती का एहसास भी होगा। पार्टनर के साथ दिन बीतेगा। प्रेम और सहयोग भी आज आपको मिल सकता है। करियर कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सहयोग और पैसा मिलेगा। किसी काम के लिए बॉस को बार बार परेशान ना करें। टेस्ट या एग्जाम में स्टूडेंट्स किसी एक विषय में असफल भी हो सकते हैं। सावधान रहे। हेल्थ सेहत खिले से अच्छी रहेगी। पुराने रोग भी खत्म होंगे। मिथुन पॉजिटिव, थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करने की जरूरत है। आगे बढ़ने के मौके भी मिल सकते हैं। आप बहुत उत्सुकता से नए मौके और चैलेंज स्वीकार करेंगे। किसी बुजुर्ग या अधिकारी से संबंध मधुर हो सकते हैं। तनाव या विरोध की स्थिति में समझौता करने या बातचीत करके मामला सुलझाने की कोशिश में आप सफल हो सकते हैं। करीबी लोगों से अपने मन की भावना व्यक्त करेंगे तो खुश हो सकते हैं। नई चीजें समझने के मौके मिल सकते हैं। नौकरी और बिजनेस के लिए दिन अच्छा है। उत्साही दोस्तों के साथ रहने से भी आपको फायदा होगा। ज्यादातर काम दोस्तों की मदद से पूरे होंगे। संपन्नता बढ़ेगी। रोमांस के अवसर मिलेंगे। नेगेटिव, किसी चीज में अति ना करें। आप खुद पर कंट्रोल ना रख सके तो शाम तक थकावट हो सकती है। अपनी आदत में बदलाव करें। कार्यक्षेत्र से जुड़े किसी काम या पैसों के लिए दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। किसी बात पर पार्टनर के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण फैसला ना लें। क्या करें, सूर्य देव को कनेर के फूल चढ़ाएं। लव, आप जिसके साथ अपना जीवन बिता रहे हैं या बिताना चाहते हैं उसे जरूर बताएं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। करियर, नौकरी और बिजनेस में आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुछ मामलों में सफलता मिलेगी। मकान बदलना भी ठीक है लेकिन स्थायी संपत्ति खरीदने में जल्दबाजी ना करें। स्टूडेंट्स को तनाव रहेगा।
संचार तकनीकी के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए अच्छा केंद्र है। प्लेसमेंट होने की पूरी संभावना है। हेल्थ मौसमी बीमारियां हो सकती है, सावधान रहें, स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। टारगेटेड करियर या पैसों से जुड़ा कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो आपकी आमदनी में सकारात्मक बदलाव कर सकता है। मन की आवाज गौर से सुने। कोई सपना या शुभ संकेत मिल सकता है। कठिन मामले सुलझाने के लिए सारी बातें साफ कर दे। पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए अच्छा समय है। परेशानियां भी खत्म हो सकती है। संतान के काम और राजनीतिक जोड़ तोड़ में आप व्यस्त रहेंगे। प्रतिष्ठित लोगों से फायदा मिलेगा। महत्वपूर्ण काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। वैवाहिक प्रस्ताव मिलेंगे। बिजनेस में नए ऑफर भी मिल सकते हैं। नेगेटिव, किसी खास बात को रखने में भी आप संकोच कर सकते हैं। आलस्य से बचें। आपके सामने कुछ कठिन परिस्थितियां भी आ सकती हैं। कोई बात बिगड़ने का भी डर बना रहेगा। क्या करें, गुलाब के फूल पर केवड़े का इत्र लगाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। लव ऊर्जा बहुत रहेगी। पार्टनर आपसे खुश रहेगा। परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नए लोगों से भी पूरे कॉन्फिडेंस से मिलेंगे। करियर बिजनेस में फायदेमंद सौदे हो सकते हैं। बड़ी योजनाएं बनेंगी। पदोन्नति के मौके भी मिल सकते हैं। यात्रा हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ सेहत भी अच्छी रहेगी। मानसिक शांति भी मिल सकती है। सिंह टारगेटेड परेशानियां कम हो सकती है। कुछ सुखद बदलाव महसूस होंगे। इस स्थिति में आपके दोस्त भी शामिल हैं। किसी परेशानी की स्थिति में दोस्तों से सलाह करें। जो भी मौका मिले उसका पूरा फायदा उठाने से ना चूके। कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान आपको जल्दी ही मिल जाएगा। बिजनेस में नए सौदे हो सकते हैं। बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। किसी भी काम में संकोच ना करें और हाथ आए मौके ना जाने दें। उससे आपको ही फायदा होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। आपका सामाजिक सम्मान भी बढ़ेगा। नेगेटिव, कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। आपसे कुछ छोटी छोटी गलतियां भी होने के योग हैं। सावधान रहें। अपनी आदतें सुधारने की कोशिश करें। खुद पर नियंत्रण रखें। धैर्य की कमी रहेगी। लोगों से टकराव भी पैदा होगा। जो काम आपको पसंद नहीं है वो करने पड़ेंगे। उधार लेन देन करने से बचें। हर काम में रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। सावधान रहें। क्या करें, अपोजिट जेंडर वाले को बंगाली मिठाई खिलाएं। लव दिल की बात पार्टनर के सामने पूरे भरोसे के साथ रखें। लव लाइफ भी मधुर होगी। आपको वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा आप चाह रहे हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। अविवाहित प्रेमियों को गिफ्ट मिल सकता है। करियर बिजनेस में नए सौदे मिल सकते हैं। रोजगार के मामले में दिन अच्छा है। इस राशि के बेरोजगार लोगों को नौकरी या कोई काम मिल सकता है। स्टूडेंट्स को दोस्तों से सहयोग मिलेगा। हेल्थ, पेट के रोगों से परेशानी रहेगी। कन्या टारगेटेड, आज जो भी बदलाव होगा वह आपके हित में ही होगा। कुछ मामलों में आपके लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आपके सामने जैसी भी स्थिति बने उसे स्वीकार कर ले। धीरे धीरे कुछ अच्छी बातें भी आपको पता चल सकती है। आपके लक्ष्य अब साफ हो जाएंगे। महत्वपूर्ण काम निपटाने पर ध्यान दें। परिस्थितियों से बाहर निकलने के बाद आपका आत्मविश्वास और बढ़ सकता है। परिवार के मामलों में रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी से संबंध अच्छे हो जाएंगे। आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। नेगेटिव, फालतू कामों में भी समय खराब हो सकता है। सावधान रहें। कामकाज में किसी ना किसी तरह देरी भी हो सकती है। हर बार देर होने का कारण कुछ अलग ही रहेगा। विरोधियों के कारण परेशान हो सकते हैं। बड़े सौदे ना करें। कहीं कोई चीज भूल भी सकते हैं। चोट लग सकती है। आपकी राज की बातें उजागर हो सकती है। मूड भी खराब हो सकता है। गलत फैसले होने की संभावनाएं हैं। संभल कर रहे। क्या करें, छाछ में मसूर की दाल गलाकर उसे पानी में बहा दे। लव लव लाइफ के कुछ बड़े फैसले भी आप ले सकते हैं। आप कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक रहेंगे। ऐसे में कोई बड़ा वादा या फैसला करना भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। प्रेम प्रस्ताव देना चाहे तो दे दे।
जो संबंध होना है उसके लिए आगे भी मौका मिल सकता है। करियर बिजनेस से जुड़े कानूनी विवाद निपट सकते हैं। बिजनेस में भी फायदा मिलेगा, काम ज्यादा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है, कोई बड़ा पद या सफलता मिलने के योग है। हेल्थ सेहत को लेकर लापरवाही ना करें, बड़ा रोग भी हो सकता है। तुला का जेठ आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। अचानक धन लाभ की संभावना भी बन रही है। ऑफिस की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अधिकारियों से संबंध सुधर जाएंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण काम भी पूरा हो जाएगा। अच्छी खबर मिल सकती है। राज की कोई बात आपको पता चल सकती है। आपको पैसे कमाने के कुछ नए और अच्छे मौके मिल सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा। भविष्य को लेकर आपके मन में उम्मीदें रहेंगी, विश्वास भी रहेगा। कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं। आपके ज्यादातर काम सरलता से और अचानक हो जाएंगे। समय आपके फेवर में रहेगा। नेगेटिव, कोई अनजाना डर भी आपको परेशान कर सकता है। अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाने की उम्मीद ना रखें। कुछ मामलों में आप निराश भी हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा सावधानी रखने से परेशान रहेंगे। वाणी पर संयम रखें। नए चैलेंज लेने या किसी उलझे हुए मामले में पड़ने से पहले अच्छे से विचार कर लें। क्या करें, किसी मंदिर के पुजारी को पीली मिठाई, हल्दी और जनेऊ दान दें। लव, अचानक किसी से मुलाकात हो सकती है। विपरीत लिंग वाले लोगों से अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए दिन अच्छा रहेगा। करियर बिजनेस बढ़ाने के भी मौके मिल सकते हैं। बड़े लोगों से कांटेक्ट होगा। बॉस से संबंध सुधरेंगे। स्टूडेंट्स को किस्मत का साथ मिल सकता है। हेल्थ सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक शांति मिलेगी। वृश्चिक राशि, पैसा कमाने के कुछ नए तरीके दिमाग में आ सकते हैं। आपका मन जो कहे उस पर पूरा भरोसा करें। गुप्त रूप से चलने वाली गतिविधियों में बहुत हद तक सफलता मिलेगी। थोड़ा समय अकेले में बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार का कोई खास मामला भी निपटाना पड़ेगा। घर परिवार और ऑफिस के सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। यात्रा और वाहन के मामलों में आप व्यस्त रहेंगे। दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। बिजनेस में नई योजना बनने के योग है। रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। नेगेटिव, जल्दी पैसा कमाने की कोशिश ना करें। शॉर्टकट लेंगे तो फंस भी सकते हैं। किसी की बातों में ना आए। खरीदारी करने में सावधान रहे। खराब या नकली सामान खरीद सकते हैं। क्या करें, अपनी उम्र से बड़े व्यक्ति को दही बड़े खिलाएं। लव, जीवन साथी की सेहत को लेकर टेंशन रहेगी। आज आप ज्यादा ही संवेदनशील हो सकते हैं। आपको जरा सी बात भी बुरी लग सकती है। छोटी छोटी बातों से भी मूड खराब हो सकता है। खुद पर कंट्रोल करें। फालतू बातों को नजरअंदाज कर दें। पार्टनर का मिजाज भी आपके अनुकूल रहेगा। करियर बिजनेस में सफलता मिल सकती है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। नौकरी के लिहाज से दिन आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। हेल्थ अगले में परेशानी होगी। मौसम में बदलाव होने से रोग हो सकते हैं। धनु, पॉजिटिव दिन अच्छा है। सोचे हुए काम भी जल्दी हो जाएंगे। रिश्तों के कारण आपको फायदा होगा। खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज आप वह काम करें जिसे आप रचनात्मक ढंग से करने में समर्थ हो। नौकरी पेशा लोगों का सम्मान बढ़ सकता है। योजनाओं में भी सफलता मिल सकेगी। वाद विवाद की समस्या का समाधान हो जाएगा। उलझे हुए पारिवारिक मामले आज निपट सकते हैं। नेगेटिव, आज चिंता की स्थिति भी बन सकती है। रिश्तों के क्षेत्र में परेशानी झेलनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी मेहनत के काम निपटाने पड़ेंगे। थोड़ा शांत रहे, किसी भी तरह की हड़बड़ी में ना पड़े। शारीरिक जोखिम ना ले। कुछ दोस्त आपसे अजीब व्यवहार भी कर सकते हैं। क्या करें, बड़ के पत्ते पर काजल लगा कर पानी में बहा दें। लव, कुछ मामलों में आप जोश में रहेंगे। पार्टनर की संवेदनाओं का ध्यान रखें और प्यार से पेश आएं। आपका पार्टनर भी भावुक रहेगा। करियर, नौकरी और बिजनेस के फैसले सोच समझ कर लें। कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है, सोच समझ कर बोलें। स्टूडेंट्स किसी स्थिति या मामले के कारण परेशान हो सकते हैं।
हेल्थ दिन भर दौड़ भाग से थकान हो सकती है, आंखों में जलन भी हो सकती है। मकर पांचेटिन मेहनत के लिए आपको तारीफ मिल सकती है, कोई गलतफहमी भी दूर हो सकती है, दोस्तों की मदद से किसी खास काम को निपटाने की योजना बन सकती है, रूटीन लाइफ में आपके साथ कुछ नया भी हो सकता है, छुपना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आप में सहनशक्ति भी ज्यादा रहेगी, कोई भी काम सावधानी से निपटा लेंगे, अनुभवी लोगों से सलाह लेकर काम करेंगे, इसका फायदा आपको आने वाले दिनों में होगा। नेगेटिव, किसी भी काम में रिस्क ना ले, बात करने और सुनने में सावधानी रखें। चंद्रमा गोचर कुंडली के 8वें भाव में है, मेहनत बहुत रहेगी, कुछ लोगों को आज मेहनत का पूरा नतीजा भी नहीं मिल सकेगा, आपकी मेहनत का फायदा दूसरों को भी मिल सकता है, किसी की शिकायत या आलोचना में जरा भी ना पड़े, इसमें आपका ही समय खराब हो सकता है, परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। बिजनेस और नौकरी से जुड़ी योजनाओं को सार्वजनिक होने से बचाएं। जीवन साथी की चिंता करनी होगी, क्या करें, कप पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीपल में चढ़ाएं। लव पार्टनर के लिए दिन अच्छा रहेगा, लव लाइफ की नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं, प्रेम में सफलता मिलेगी, प्यार के इजहार के लिए अच्छा दिन है, करियर कारोबार सामान्य रहेगा, नए सौदे आज ना करें, पैसा मिलने के योग नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे बोलने से बचें। स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, हेल्थ नींद की कमी और थकान महसूस होगी। कुंभ पांचेटिन महत्वपूर्ण लोगों से कांटेक्ट होगा, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, अधूरे काम पूरे होंगे, लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा, अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं, विवाहित लोग जीवन साथी को खुश करने की कोशिश करेंगे, अपने व्यक्तित्व के दम पर आप कुछ लोगों को अपने फेवर में कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा मिलेगा, दोस्तों और प्रेमी से पूरा सहयोग मिलेगा, नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, रोजमर्रा के काम समय से पूरे हो सकते हैं, कोई दोस्त आपके लिए कारगर भी साबित हो सकता है। नेगेटिव, आप जैसे हैं वैसे ही रहे, किसी तरह का दिखावा करेंगे तो मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपका खुला प्रभाव नकारात्मक रहा तो आपको उसमें सुधार का मौका शायद ना मिले, आलस्य के कारण काम टल भी सकते हैं, ऐसे में जोखिम भरे काम हाथ में ना ले, क्या करें, चावल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। लव पार्टनर ज्यादा ही संवेदनशील हो सकता है, सोच समझ कर बोले, पार्टनर के साथ समय बीतेगा, प्रेम बना रहेगा, करियर काम काज ज्यादा होने से परेशानी भी बढ़ सकती है, काम पूरे होने से भी आपको फायदा होगा, जायदाद संबंधी समस्या का समाधान हो जाएगा, दिन अच्छा है, स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, हेल्थ सेहत अच्छी रहेगी, पुराने रोगों से राहत मिलेगी, सुस्ती भी हो सकती है। मीन पांचेटिन, छुपी हुई कुछ बातें आपके सामने आ सकती है, अपने काम पर ध्यान दें, पैसों के मामलों में दूसरे लोग आपको चाहे जितनी भी सलाह दें, आप वही करें जो आपका मन कहता हो, आपका मन दूसरों की सलाह से कहीं बेहतर है, अपनी योजना खुद बनाएं और उस पर लगे रहें, आप में ऊर्जा भी बहुत रहेगी, दूसरों की भावनाओं के लिए आप बहुत संवेदनशील भी रहेंगे, एक बार जैसे ही आप सक्रिय होंगे काम बहुत अच्छी तरह निपट जाएगा, आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहेंगे, नौकरी और बिजनेस में स्थिति अच्छी रहेगी और फायदा भी मनचाहा मिल जाएगा, संतान की प्रगति होगी, कानूनी विवादों का निपटारा आपके फेवर में हो सकता है। नेगेटिव, फालतू बातों से बचें, नई सूचनाओं से उलझने बढ़ सकती है, आपका ध्यान भी बंटेगा, परिवार के सदस्यों से कोई अजीब समाचार भी मिल सकता है, पारिवारिक मामलों में उलझने से भी बचें, आपको थोड़ी सुस्ती जरूर महसूस होगी, ऑफिस में लोगों की बुराई करने से बचें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्या करें, किसी भी फ्रूट जूस में थोड़ा सा नमक मिलाकर पिएं, लव छिपी भावनाएं आप पर हावी हो सकती है, इसका सीधा असर संबंधों पर पड़ेगा, पार्टनर आपके दिल की बात समझ लेगा, करियर बिजनेस में अच्छा फायदा हो सकता है, अच्छी ग्राहकी होगी, कार्यस्थल पर सुखद वातावरण रहेगा,
ऑफिस में कोई मिलने आ सकता है, स्टूडेंट्स को तनाव रहेगा, फालतू खर्चा भी हो सकता है, हेल्थ एसिडिटी और पेट दर्द हो सकता है। कम भोजन करें।